जैसे 6 प्लस रूट 8 है और बाय 4 है, तो त्रिशु अगर हम इसको इससे काट दें तो ये 3 और ये 2 और 3 प्लस रूट 8 बाय 2, क्या ये सही है? सर 8 को 2 रूट 2 भी तो लिख सकते हैं, वो लिखने की बात अलग है, इसको ऐसे कट कर कैसे लिखते हैं, ठीक है? यस सर। ऐसे 7 बच्चे हैं क्लास में जो ऐसा करते हैं, उसमें एक त्रिशु भी बता रहा हूँ। ऐसे बहुत लोगों ने ऐसे नंबर गंवाए, सिर्फ इन्होंने नहीं गंवाए, लोग अकेले अकेले काट रहे हैं। अच्छा ये देखो, बोलो 10 by 2 कितना होता है, बताओ। 10 by 2 5 होता है। अब तुमको भैया एक जादू दिखाते हैं, इसको इसे कट करो, ये 2 आया, ये 1 आया, देखा 8 आ गया 10 by 2, है जादू। हम अपने मन से कुछ भी जादू कर सकते हैं, कोई कहे कि हम 10 by 2 को 9 बना देंगे तो उसकी भी बात सच मान लेना। ऐसे त्रिशु हैं, मान लो जैसे 2 + 8 लिख दिया और बाई 2 लिख दिया, फिर इससे इसको काट दिया, बोले कि देखा हमने 10 by 2 को 9 बना दिया, बना देंगे। वास्तव में कैंसिल हो ही नहीं सकता, सिंगल सिंगल आपने भी किया है इसलिए बताना, समझ गया यार मैं? तो ऐसा नहीं कट होता है, जब तक कॉमन नहीं लोगे तब तक कट होगा क्या? वो 2 इसके लिए भी अपान में है, सिर्फ इसी के लिए थोड़ी ना, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस तो है कि नहीं? ऐसे अकेले कभी नहीं काटना, नहीं तो सारा सवाल उसके आगे का पूरा ही गलत हो जाए। चलो ओके, नाउ राइट वन लाइन अबाउट, सबके बारे में वन लाइन लिखनी है। फ्रेडरिक सॉरियू, ओके, अर्नेस्ट ब्रेनन, कार्ल कैस्पर फ्रिट्स, ड्यूक मेटर्निक, डेला क्रॉइक्स, कार्ल वेटर, ऑटो वॉन बिस्मार्क, इमैनुअल, ग्रीन ब्रदर्स, दस मैंने दिए हैं, इसमें से किसी आठ के बारे में आपको लिखना है, दो छोड़ सकते हैं, एक एक
ये अर्नस्ट एंड इसने बताया व्हाट इज नेशन, है ना, ये फ्रांस का था क्या? फ्रांस का फ्रेडरिक सर्जी, तो तुमको मालूम है ये भी फ्रांस का था, कार्ल दैट इज लिबर्टी ट्री, जुकर ज्यूटेनबर्ग ना जर्मनी का, ड्यूक मेटरनिक ये चांसलर है, तो कहाँ का चांसलर है? ऑस्ट्रिया का, डायलॉग क्रिक्स, डायलॉग क्रिक्स ने वो पेंटिंग बनाई थी वो रोमानियन वाली जिसमें 20,000 ग्रीक मारे गए थे, ठीक है, और ये कहाँ का रहा होगा डायलॉग क्रिक्स? मुझे पता नहीं, आप बताओ। फ्रांस का था, कहाँ का था बताओ? फ्रांस का। चलो कार्ल वेकर कौन था? हाँ पार्लियामेंट में था, इसने बताया था कि फीमेल को इक्वल राइट्स नहीं दिए जा सकते क्योंकि नेचर ने फीमेल को अलग बनाया, ये चीज बताया, ठीक है। जर्मन पार्लियामेंट में था, किसका था बताओ? दैट इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का 831। ऑटोमन बिस्मार्क के बारे में जानते हो? जर्मनी का ये चीफ मिनिस्टर था ना, ये विक्टर इमैनुअल दैट इज सार्डिनिया पीडमोंट का किंग था। अच्छा ग्रिम ब्रदर्स कलेक्टेड 33 वॉल्यूम्स, बहुत आसान है, कोई ऐसा नहीं पढ़ने लायक नहीं है, एक मैं भूला बाकी मुझे लगभग याद है। देखो फिलिप वीक, इसने भी एक पेंटिंग बनाई थी, जर्मेनिया की बनाई थी क्या? तो जर्मन का ही रहा होगा, बस इतना इतना लिखना है, लिख दो। फेमस इटालियन रिवोल्यूशनरी एंड ही वाज अ टॉल पर्सनालिटी, ठीक है। सो सब भी मैंने ले रहा हूँ, उसका मतलब वही निकल रहा है जहां तक मैं समझ रहा हूं। चलो देख लेते हैं, मैसेकर ऑफ कियोस ग्रीक व्हेन हैपेंड, सो कियोस 1824 है ना, 1824 लिखा है, ये कह रहा है 1822, फिर से इसका मतलब 1820, ये सही बात निकली, ये हैपन हुआ है 22 में, पेंटिंग बनी कब है 24, समझ रहा नहीं बात नहीं, पर फिर इसे ऐसा नहीं देखना चाहिए कि इसमें ये दिखा ना, उसको अमेंड कर लो। चलो नाउ गुसीपी मजीनी वाज इटालियन रिवोल्यूशनिस्ट, सो ही वाज इटालियन रिवोल्यूशनिस्ट। अब जरा देखिए कि अगर किसी भी कंट्री का नाम आएगा सुदैन, तो कई बार आप स्मॉल में लिखें, स्मॉल में ना लिखो, कंट्री का नाम आएगा तो आपको किस में लिखना है? कैपिटल में। जैसे इटली आए तो भी आई कैपिटल में, इटालियन आए तो भी आई कैपिटल में, समझाई? रिवोल्यूशनिस्ट। कौन ऐसा है मुझे याद नहीं आ रहा, वो डी को ऐसे बनाता है बिल्कुल खतरनाक स्क्वायर टाइप, सारे डी बना डाला,
बहुत डेंजरस है, तुम्हें पता नहीं गर्ल्स में ही आप ही के ग्रुप में है, आप बनाती हैं क्या? अंशु प्रिया है तासी में कोई है, ये पता नहीं है, आप बनाती हैं? चलो, he was Italian revolutionist. और हाइट लेटर्स की अलग अलग है, जैसे किसी को कहा जाए वेन लिखो तो ये वेन है, तो वो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, अब वो पता ही नहीं चल रहा कि क्या चीज लिखी, सबकी हाइट सेम करनी और लेटर, अगर उनसे कहो यू वी तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ऐसे सब लिखते चल जाएंगे, पहचानो उसको, और उसी में एल भी लिखना हो तो उसी हाइट में, तो एटलीस्ट लेटर की उसकी सुंदरता है, जैसे हो हर एक लेटर की अपनी सुंदरता है, जैसे ये जी बना रहे हैं तो जी सुंदर लग रहा है, अब एक कोई कह दे ये हम बूढ़ा जी बना देंगे बेचारे को, हर एक लेटर की सुंदरता होती है, उसको बुढ़ापा ला दिया 80 साल का जी बना रहे, तो आपको देखना पड़ेगा उसका पोस्चर क्या है, तब तब एक बनती है, समझ आई बात की नहीं, तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें रहेंगी, दिव्या का भी बहुत खराब रिप्रेजेंटेटिव है, इनसे कहो अगर मान लीजिए वॉच लिखने को बोलो तो डब्ल्यू ए टी सी एच हाई जाएंगे, मोस्टली लेटर्स में आखिरी लेटर इनका खा जाती है, आखिरी लेटर नहीं लिखते, चार पढ़ोगे तो एक खत्म है, यानी क्या आदत है, ही वॉज ए इटालियन रिवोल्यूशनिस्ट, ओके, और इसने क्या किया बताइए, ही वॉज बॉर्न इन जेनोवा, जेनोवा भी वहीं पर इटली में ही है, ओके, एंड he was member of secret society, he was secret society of carbonari, carbonari एक जगह का नाम है वहां का था, चार अब फिर इसने he himself founded कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बताए, यंग इटली एंड यंग यूरोप, he founded organization young Italy and young Europe, he struggled for unification of Italy, ये तो कॉमन चीज है जो आप लोगों को पता है, जन्म कहां हुआ ये नई चीज है, और ये कार्बोनारी की कोई सीक्रेट सोसाइटी का सदस्य था, ठीक है, कार्बोनारी उस जगह का नाम, नाउ ही वंस स्टेटेड दैट नेशन इज ए नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, उसने ये बताया था कि ये बिल्कुल नेचुरल यूनिट है, मनुष्य को नेशन में ही रहना चाहिए, टेरिटरी में नहीं, क्योंकि एक नेशन के लोगों की एक कॉमन हिस्ट्री होती है, एक कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन एथनिक होता है, नहीं, तो इसने ये बात बताई, ही वंस स्टेटेड दैट नेशन इज नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, यूनिट ऑफ ओके, ही वॉज अ लिबरल एंड उसने क्या किया बताइए, एंड कंजर्वेटिव स्वर frightened from Mazzini, once Duke Metternich said that Giuseppe Mazzini is the most dangerous person for Europe. समझिए ऐसा व्यक्ति था, वो ऐसा लिबरल था जिसने सभी कंजर्वेटिव की खटिया खड़ी कर रखी थी, और इसके लिए ड्यूक मेटर्निक ने एक दिन क्या बोल दिया कि यही व्यक्ति है जो यूरोप में सबसे बड़ा खतरा है यहाँ के इंपीरियलिस्टिक के लिए, रॉयल फैमिली के लिए और कंजर्वेटिव के लिए, इसे हटाओ, इसको जेल डाला गया था, 4 साल जेल रह के फिर वापस आ गया, फिर सोसाइटी में, समझ आया, फॉर हिज एक्शंस ये ही वॉज पुट इन जेल, ओके, ये 1824 की बात, ओके, सो ही वॉज लिबरल एंड आफ्टर
कमिंग आउट फ्रॉम प्रिजन, फ्रॉम प्रिजन फॉर, किसके लिए लड़ा होगा? फॉर फॉर राइट्स ऑफ पुअर पीपल ऑफ थर्ड स्टेट, नहीं, फॉर फॉर राइट्स ऑफ एंड इक्वेलिटीज, इनकी इक्वेलिटी के लिए लड़ा, ऑफ पुअर पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। वंस ड्यूक मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा हेड था, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, रिमार्क दैट मज़िनी इज मोस्ट डेंजरस पर्सन फॉर यूरोप। ये तो नहीं बोल सकता ना कि इंपीरियल के लिए, वो ऐसे प्रचार करेगा, प्रोपेगेंडा कैसे होता है, ये हमारी सोसाइटी के लिए खतरा है, इसे भगा दो, ये थोड़ी बोलेगा ये हमारे लिए खतरा है मेरे रॉयल पर, ऐसे कोई थोड़ी बोलेगा, नहीं, फिर जनता उसके साथ आएगी क्या? मोस्ट डेंजरस पर्सन फॉर यूरोप। नेक्स्ट इज काउंट कैमिलो डी काबू, कैवर भी बोल रहे हैं, तो सर इंग्लिश में से कैवर भी कह रहे हैं। चलिए, नाउ ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट स्टेट ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली गोज टू कैवूर, इसी को जाता है। रियल क्रेडिट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ By his tactful diplomatic alliance, he succeeded in defeating Austrian forces. Austria बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इसकी डिप्लोमेसी अच्छी थी। जानते हो इसने किससे किया? उसने उनके ससुराल से मदद लेकर के, फ्रांस से मदद लेकर ऑस्ट्रिया को हराया, जबकि वो वहां की एंटोनिटी वहीं की थी। ये डिप्लोमेसी नहीं हुई, फ्रांस कल भी 16 ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, फ्रांस से मदद लेके ऑस्ट्रिया को। सो बाई हिज टैक्टफुल, लाओ जमा करो, इस पर भी तो ध्यान दो, नहीं तो ये छूट जाएगा, तुम करते हैं। लाओ बाई हिज टैक्टफुल डिप्लोमेटिक, किसके साथ अलायंस किया होगा इसने? अलायंस विथ फ्रांस। He defeated Austria. Austria को उसने हरा दिया। Now, अच्छा ये बताओ कि सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया, और इसको क्या कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इटली। बिस्मार्क बहुत बड़ी चीज है, जैसे बिस्मार्क ने क्या किया जर्मनी को 18 को करना बहुत बड़ी बात है ना, तो उस इसको भी क्या कहा जाता है? कैवर इज कॉल्ड एज बिस्मार्क ऑफ। नाउ
सी ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में तो मैंने लिखा दिया है बहुत कुछ, है ना, ऐसा लिखाया है कि नहीं, चार पांच पॉइंट आप लिख लोगे कि नहीं। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, कोई कौन सा कवि था वो, लॉर्ड बेरियन था क्या, उसने फंड इकट्ठा किया था, यही सब किया। अब वो किसने बताया था, पेंटिंग होटल ऑफिस लिखना है, नहीं लिखना, लिखा लिख देना कि 20,000 लोग मारे गए थे ऑटोमन एम्पायर का इस पर राज्य, तो यही सब तो लिखा था। तो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस तो आप लिख लोगे ना। अगला देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसके बाद है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट ओके नाउ इट इज द नेम ऑफ जर्मन नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में कितने लोग थे, वो जहां बैठ जाए वही तो पार्लियामेंट हो जाएगी। असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ 831 डेप्यूटीज। डेप्यूटीज का मतलब होता है अधिकारी, 831 डेप्यूटीज। एज देयर वॉज नो बिल्डिंग फॉर दिस नेशनल असेंबली so they got seated in a St. Paul Church of Frankfurt and stated is as a Frankfurt Parliament। उनके लिए कोई जगह ही नहीं बनाई थी, जो वहाँ का राजा था ना, कौन था, कैसर विलियम रहा होगा, तो उसने इनके लिए कोई बनाई थी क्या पार्लियामेंट बैठने के लिए, तो कहाँ बैठ गए जाके बताओ, चर्च में बैठ गए, वहीं अपनी सभा करने लगे। और उस सभा को क्या कहा गया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। एज There was no building। अभी जो जर्मन की पार्लियामेंट है उसे रीच स्टेट कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, रीच नो बिल्डिंग। There was no building for meeting for National Assembly। तो क्या हुआ बताओ, for meeting of these deputies। So इसलिए वे किस साल में इकट्ठे हुए बताओ, 1848 में हुए। So they assembled। और ऐसे ही नहीं असेंबल हुए, विद ग्रैंड प्रोसेशन, बाजे और गाजे के साथ वहां पर सब लेके गए थे बचाते हुए कि हम जा रहे हैं, जनता को बताते हुए, विद ग्रैंड प्रोसेशन। सो दे असेंबल्ड इन सेंट पॉल चर्च विद ग्रैंड प्रोसेशन, परेड करते हुए, वीडियो देख लेना सब है। दे असेंबल्ड इन सेंट पॉल चर्च ऑफ फ्रैंकफर्ट सिटी विद ग्रैंड प्रोसेशन का मतलब है बाजे और गाजे के साथ। अब देखिए नाउ कब हुए बताइए, ऑन 1848 समझो, वहां भी जुलाई रिवॉल्यूशन चल रहा था फ्रांस में, जुलाई में हुआ था कि नहीं, 2 महीने पहले। ओके दे प्रपोज्ड, वहां पर दे पास्ड द बिल फॉर यूनिफिकेशन ऑफ, किसके यूनिफिकेशन के लिए, जर्मनी एंड प्रपोज
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टू फ्रेडरिक विलियम फोर्थ. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किसको ऑफर की उन्होंने बताओ? फ्रेडरिक विलियम. फ्रेडरिक की स्पेलिंग देख लेना. फ्रेडरिक देखो रिच विलियम फोर्थ. एक बात और है, ये जो फ्रेडरिक विलियम फोर था यही उस समय किंग ऑफ प्रूसिया था, ये उनका कोई किंग नहीं था. और विलियम फिर बाद में आए, जब उसके बाद हमें मालूम है कि थोड़ा और 20-30 साल बाद हुआ ना यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, 71 में हुआ था, तो 30 साल में तो राजा बदल जाते हैं, तो कोई विलियम आया. तो इसमें बुक में क्या लिखा है कि उसने जिसको बोला है, बुक में नहीं लिखा है, लेकिन इसमें गाइड में क्या लिखा रहा है, किंग ऑफ प्रूसिया. क्या लिखा है? किंग ऑफ. इसको ऑफर किया होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टू द किंग, तो किंग को ही किया होगा, लेकिन किंग ने कहा नहीं, और उसको लालच दी कि हम सारे राज्यों को मिला के एक कर देंगे. वहां का तो किंग था ही, उसने कहा सबको मिला देंगे और तुम सिर्फ हमें लेजिस्लेटिव बना लो, लेकिन उसने मना किया. बात समझाएं कि नहीं? किंग ऑफ रूसिया, किंग ऑफ रूसिया. तो रूसिया को किया. Who denied later on? ठीक है. Who denied? सिर्फ इतना ही लिखना है. पूरी बात समझ आ गई? ये तुम्हें पता है, हमने कोई नई चीज नहीं लिखी, बस लिख दी है जो मालूम है कि नहीं. जर्मनी के एजुकेशन में था. Now struggle of women in freedom struggle. अगला पॉइंट क्या है? Role of women in nationalist struggle. Women ने बहुत रोल अदा किया, लेकिन वास्तव में उन्हें उतना मिला नहीं जितना मिलना चाहिए और जिस समय मिलना चाहिए. भारत के आंदोलन में पूना में और महाराष्ट्र में नागपुर में औरतों ने बड़ी बड़ी रैली निकाली है, आपके बुक में चित्र बना हुआ है. लेकिन अभी देखो रिजर्वेशन भी लग जाके पास हो रहा, उनके लिए कोई आरक्षण बिल भी नहीं पास हुआ. तो वुमेन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल ऑल ओवर द वर्ल्ड. ए की रोल इन जहां पर राष्ट्रवादी आंदोलन हुए सब जगह वुमेन का योगदान. यहाँ तक कि फ्रांस में अगर औरतें ब्रेड न लूटती तो क्या बास्टिल जेल पे अटैक हो जाता? तो आगे देखिए, दे हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सच स्ट्रगल्स. For equal rights, rights equal to men. तो उन्होंने men के बराबर rights का भी demand किया. They also demanded for female suffrage. मतलब उन्होंने suffrage का भी मतलब क्या होता है? वोटिंग राइट्स, फीमेल वोटिंग राइट्स के लिए. दे ऑल्सो डिमांडेड फॉर फीमेल सफ्रेज, दैट इज वोटिंग राइट्स. क्या अरविंद आप एक ऐसी फीमेल एक्टिविस्ट का नाम बता सकते हैं जिन्होंने इस पर काफी लेख लिखे और जो अपर क्लास ऑफ थर्ड स्टेट की आती है? बोलो दाशी, बोलो सही, आप भी बोलो दाशी न सुन पाता. हाँ बोलो, ये ठीक है. ओलंपी डी ग्रॉजर्स,
नाइन्थ में पढ़ा था कि नहीं? So that is, फिर भी नाइन्थ का है तो क्या हुआ? मूवमेंट तो वही चल रहा, लिख सकते हैं इधर पीछे इधर, उधर पीछे इधर. नाउ ओलंपी डी गॉजेस, so Olympi di Gorgeous. Okay. He has written the rights of women. So as ये French activist थी, was French. अब देखो French है तो ये भी F capital आया. फ्रांच फ्रेंच ये सब में करते फ्रेंच एक्टिविस्ट हु रोट एन एसे राइट्स ऑफ द वुमेन. तुमने ये बात कर लिखा देखो ये एक आंदोलन था. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लुटेरी औरतें हैं, इन्होंने वो ब्रेड की दुकानें लूटी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की है ना, so, उन्हें कम करके नहीं आंकना है. अगला देखिए, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज़ टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल. क्वेश्चन नंबर टू कराया कि नहीं कराया? हो गया. क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, हु वन मेरियानी एंड जर्मेनिया. अरविंद मेरियानी कौन थे? सही. सो मेरियानी वाज फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस. एलिगरी का मतलब रूपक, एक प्रतिमा बनाने. ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगरी और सिंबल टू पोर्ट्रे आइडिया सच एज लिबर्टी जस्टिस एंड रिपब्लिक. सो फ्रेंच आर्टिस्ट वो ट्रेड उन्होंने दिखाया कि उसके हाथ में चार्टर है, उसके हाथ में रूल है, वो ऐसा मुकुट लगाए, यानी इक्वालिटी जस्टिस सब उसी के आसपास दिखा दिए. एक प्रतिमा दिखाई, फिर दिखाई सबको न्याय दे रही है, तराजू, ऐसे नहीं दिखाते हैं. तो सब कुछ उसी के, एक किसी को दिखाना पड़ेगा ना. तो फीमेल आर्टिस्ट पोर्ट्रेट आइडियाज ऑफ इक्वालिटीज लिबर्टी. सबसे पहले तो उन्हें लिबर्टी चाहिए थी, लिबर्टी के बाद क्या चाहिए थी? इक्वालिटी भी चाहिए थी, क्योंकि सारे स्टेट्स इक्वल नहीं थे. जस्टिस, जस्टिस भी चाहिए था. एंड रिपब्लिक, क्या वोटिंग राइट भी चाहिए? रिपब्लिक ही वोटिंग राइट है. ठीक है, यूजिंग ये मेरियानी किसको यूज करते हुए देखा? दिखाया नहीं गया तराजू है तो वो क्या है, एक तरफ अंजल दिखाया गया, नाइन्थ की बुक का याद है कुछ जैसे. तो यूजिंग मेरियानी, मेरियानी को यूज करते हो, मैंने ये सब दिखाया. ये कोई रियल लेडी नहीं थी, कहीं जन्म, जैसे भारत माता ऐसा ना सोचो कहीं जन्म हुआ होगा उनको दिखाया गया, ऐसा कुछ. ओके, हर कैरेक्टरिस्टिक्स वाज ड्रॉन फ्रॉम द रेड क्रैप ट्राई कलर्ड ड्रेस एंड कोकेट. तीन चीजें, कोकेट का मतलब वो जैतून की पत्तियों वाला मुकुट, वो नहीं पहना जाता है कोकेट. तो ऐसा वो भी दिखाया गया, कहीं कहीं दिखाते हैं कि वो कांटों का मुकुट है, कि फ्रांस को अभी कांटों से गुजरना है, जैसे जीसस क्राइस्ट को कोकेट पहनाया गया. कांटों का मुकुट पहनाया जाता कि नहीं उनको, उस पर सूली पे चढ़ाने का. तो यहाँ दिखाया गया उसके तीन सिंबल थे,
एक उसकी रेड कैप थी मैरियनी के, क्या थ्री सिंबल्स हैं, कैसे पहचाना जा सकता था ये मैरियनी है? एक फीमेल एलिग्री बनाओ, रेड कैप पहना दो, ट्राई कलर, उसकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, वाइट रेड ब्लू, ट्राई कलर ड्रेस पहना दो और पॉकेट सर पे मुकुट लगा दो। सो हर आइडेंटिफिकेशन वाज दैट इज सबसे पहले रेड कैप सिंबल ऑफ, किसका सिंबल था, सर्फडम से मुक्ति जो लोग पाते थे, सर्फडम जानते हो, दास प्रथा। सर्फडम क्या होती है, सर्फडम, दास प्रथा से जिनको मुक्ति मिल जाए, सर्फडम तो जिन्हें मिलती थी मुक्ति वो लाल टोपी पहनते थे, तो वो किसका सिंबल था रेड कैप, बोलो, सिंबल ऑफ सर्फडम, याद ना रहे तो दैट इज फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, लिख ना याद रहे क्या पता नहीं, क्या लिख दोगे, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। और दूसरी चीज ट्राई कलर ड्रेस, दैट इज फ्लैग ऑफ फ्रेंच नेशन, ट्राई कलर ड्रेस, रेड व्हाइट एंड ब्लू, दैट इज कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग एंड कोकेड। कोकेड हमें दिखा देते हैं आपको वीडियो में, कोकेड क्या होता है, मुझे तो वो मुकुटी लग रहा है, देख के बताता हूँ। कोकेड मीनिंग सर में पहने जाने वाली टोपी, विशेष प्रकार की टोपी है, तो यहाँ उसी मुकुट से लिया गया, ठीक है, सभी में यही चीज दिखा रहे हैं। एन ऑर्नामेंट विच इज बॉर्न ऑन हेड बैच लिखो, वो कोई बैच पहने होगी, क्या पता क्या बैच जर्मेनिया, इसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे थे, वो एक ओक लीव्स का क्राउन पहने थे, हर विजुअल कैसे तुम पहचानोगे वो जर्मेनिया, चेहरे से नहीं, चेहरे तो सब लोग अलग अलग तरीके से बनाएंगे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन वर्ड, जैसे भारत माता को कैसे पहचानते हो, भारत माता के पीछे शेर खड़ा है, हाथ में झंडा लिए है और एक लाल साड़ी पहने, ऐसे ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था, वही सब लोग चला रहे, तो हर विजुअल रिप्रेजेंटेशन वर्ड कौन कौन से बताओ, ओक ट्री का मुकुट, दैट इज क्राउन ऑफ ओक लीव्स, पत्तियों का क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जैतून की तरह ही इसकी पत्तियां होती हैं, और जो स्टैंडिंग
ये सिंबल किसका होता है बताओ? हीरोइज्म, हीरोइज्म है, हीरोइन है लेकिन हीरोइज्म लेकिन चलो कोई बात नहीं ना, हीरोइज्म को दिखाता है। और इसके अलावा हैविंग सॉर्ड इसमें क्या है बताइए? हैविंग सॉर्ड उस पर भी जैतून की पत्तियां लिपटी हुई है और वो लिखा है कि ये राइन नदी के किनारे खड़ी हुई जर्मनी हमारी जर्मनी की रक्षा करी, ऐसा लिखा है कि नहीं बुक के फिगर में? तो वो जो वो दिखा है तलवार लेके खड़ी कि नहीं, तो ऑलवेज प्रोटेक्ट्स, और उस पर भी पत्तियां लिपटी हुई हैं कि अगर कोई इसे छेड़ेगा नहीं तो फिर ये छोड़ देगी, और छेड़ देगा तो नहीं छोड़ेगी ऐसा। तो उसमें क्या लिखा है बताइए? सॉर्ड में क्या लिखा है? सॉर्ड में ये बात लिखी है जिसने पेंटिंग बनाई है, दैट इज जर्मन सॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन। उसमें लिखा है हैविंग सॉर्ड इन हैंड, और उस पर इंस्क्रिप्शन है। क्या इंस्क्रिप्शन है? That German sword protects, you see, पिक्चर में लिखा है तुम्हारे बुक में जर्मन राइन, या राइन लिख लो, राइन रिवर। ओके नाउ जर्मेनिया पोर्ट्रेज द आइडिया ऑफ लिबर्टी जस्टिस एंड रिपब्लिक, कितना और लिखते जैसे ऊपर था, तो जर्मेनिया जब दिखाई जाएगी तो हमेशा ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि इसने सबको क्या दी है। जर्मेनिया पोर्ट्रेज द आइडिया ऑफ लिबर्टी जस्टिस एंड रिपब्लिक। रिपब्लिक वाज एलियन आइडिया, बिल्कुल नया आइडिया था, लोग अपने राजा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कराया जा चुका है? बोलो, जर्मन यूनिफिकेशन तो पढ़ चुके हो ना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट, ये भी नहीं कराया ना। बाकी जो ज्योग्राफी और सिविक्स है वो तो एक एक दिन की क्लास में हो जाएंगे, एक एक चैप्टर, ये हिस्ट्री में टाइम लगता है। सो टू मेक नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड फॉलोइंग, उसने ये सुधार किए जिससे कि सिस्टम अच्छा हो जाए, ठीक है। सो ही इंट्रोड्यूस्ड फॉलोइंग चेंजेस। अच्छा, फिर बाद में उसने जहां जहां टेरिटरी जीती तो उसमें कंपलसरी कंस्क्रिप्शन ऑफ पीपल इन आर्मी भी कर दिया था, लोगों को जबरन वो आर्मी में डलवा रहा क्योंकि उसको अपने आर्मी का एक्सपेंशन करना था, ये उसकी कमी। टैक्स भी बढ़ा दिए थे, खैर वो तो उसके ड्रॉबैक्स हैं, बट इन्होंने कहा क्या क्या चेंजेस किए। ही हैज मेड द सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट, एंड देखो
वैसे जैसे टू रेशनल नंबर और रूट टू इरेशनल है, जो संख्या आसानी से समझी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं रेशनल। कहेंगे व्हाट अ रेशनल आइडिया यू आर हैविंग, कितना क्लियर आइडिया। तो कोई क्या हम वहाँ जाएंगे फिर ऐसे कर देंगे, व्हाट एन इरेशनल यू आर टॉकिंग, जो समझ में ना आए उसे क्या कहोगे इरेशनल। तो पहले का सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लोग जाते थे तो राजा के दरबार में जाते थे न्याय के लिए, तो कहाँ उसने सब कुछ हटा दिया, उसने कहा सिंपली जाओ न्याय चाहिए, जस्टिस के लिए कोर्ट बनवा दिए, हमारे पास मत आओ। तो उसने सिस्टम को कैसा बता दिया, रेशनल एफिशिएंट एंड सिंपलिस्टिक, आराम से बन जा सकता है कोई तो, अच्छा बना दिया कि नहीं, इरेशनल नहीं रखा, कैसा बना दिया रेशनल, दैट इज एफिशिएंट एंड सिंपलिस्टिक। ओके, उसके लिए उसने क्या कर दिया होगा, नाउ ही इंट्रोड्यूस्ड नेपोलियन बोर्ड, जिसको कि सबको मानना जाना था, इन विच विच डिड अवे ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ये भी कहा जा सकता है कि ही उसने क्या किया कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के जो टैक्सेस थे उसको एबॉलिश कर दिया, अगर ये लिख दो, उसने जन्म के आधार पर सब कुछ कर दिए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा जा सकता है, बीच बीच में आए या नहीं आए फिर भी इसने ये काम किया, ही आल्सो एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी प्रथा का नियम। राजा अपने किथ एंड किन को या विश्वास पात्र को कहीं का सामंत बनाते थे, फिर वो सामंत मनमर्जी का टैक्स लेता रहता होगा, तो इन्होंने क्या किया बताइए, ही एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। बीच बीच में जो बहुत सारे रूल चेंज हुए हैं, कभी कंजर्वेटिव आ जाते थे कभी लिबरल, तो अगर बार बार भी फ्यूडल सिस्टम आता तो ये मत सोचो ये तो उन्होंने किया था, फिर कोई राजा आ जाता था फिर वो लगा देता था, ये चीज चल रही थी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया बताइए, फ्यूडल सिस्टम। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अच्छा काम तो कर रहा है लेकिन ये भी अपर क्लास ऑफ थर्ड स्टेट है, तो इसने स्लेवरी को खत्म नहीं किया, फ्यूडल को खत्म कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये थर्ड स्टेट का था लेकिन अपर क्लास का था, चाहता खत्म करता ना करता, क्योंकि ये भी तो इंपीरियलिस्टिक था, इंपीरियलिस्टिक कौन थे, अमीर लोग नहीं, लेकिन इसने सामंतवादी प्रथा को खत्म किया। ओके, इसके अलावा उसने क्या किया, ही इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए, और क्या किया होगा, कम्युनिकेशन, संचार के लिए अच्छे काम किए, और क्या इंप्रूव किया, दैट इज बैंकिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा किया, ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग सिस्टम। अंशु किया और क्या किया होगा, कई चीजें तो अभी हमने लिखनी ही नहीं, बताओ एक पॉइंट बोलो, इंट्रोड्यूस्ड बोलो, उसने दैट इज मोनेरियल ड्यूज, क्या बोलोगी, जो किसान थे ना उनको उसने सर्फडम, दास प्रथा लिखी थी कि नहीं, सर्फडम से आजादी दिलाई, उनके ऊपर जितना कर्ज था वो सारा भी माफ कर दिया, बहुत अच्छे पॉइंट फ्रीड पीजेंट्स, इससे पीजेंट्स को किससे आजादी दिलाए, फ्रॉम सेल्फडम एंड मोनेरियल ड्यूज। मोनेरियल ड्यूज का मतलब क्या है, ब्याज उनका जो कर्ज माफी। और बताओ तुम तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बता रही हो, एक और बता दो, बिल रिस्ट्रिक्शन बता दिए कि जिस बिजनेसमैन को जहां जहां जैसे जैसे व्यापार करने, तो पहले तो बड़ी पाबंदियां थी, बंदिशें थी, सब हटा दी, जैसे जो तुम्हें बेचना है जो खरीदना है, सो ही रिमूव्ड गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, फ्रॉम ट्रेडिंग,
नाउ ट्रेड्समैन कैन डू बिजनेस फ्रीली, ट्रेड्समैन कैन डू, और बताओ कृषिता, तुम तो बहुत अच्छा बता रही हो, और बताओ क्या बताने वाली थी? ये सही बता दिया, he introduced uniform weight, he standardized weights and measurement system, जैसे LA लग्जमबर्ग में और कहीं था न्यूरनबर्ग में और था, कहीं 55.1 था, कहीं 54.9 था कि नहीं, तो उसने सब कुछ एक कर दिया कि नहीं, तो उसने क्या किया, he that is standardized, क्या स्टैंडर्डाइज किया, वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम, ही रिड्यूस 18 करेंसी से उसने दो करेंसी बना डाली, पहले जितने उसने उसके यूरोपियन कंट्री जीते थे उसमें 18 तरीके की करेंसी थी, उसी उसी में पढ़ो जहां लिखा ऊपर लिखा है कि नहीं, कितना समझ में आएगा कि नहीं, हाँ राइट टू प्रॉपर्टी नेपोलियन में ये बोलता, सो ही एस्टैब्लिश सबको संपत्ति रखने का अधिकार, ये बड़ी बात है, ही इंट्रोड्यूस्ड लॉ फॉर राइट टू प्रॉपर्टी, और कुछ बच रहा है मेरे ख्याल से, हो गया सारे, ठीक है, ठीक है, कितनी बात हो, अगला देखो, नाउ डिस्कस में आओ, डिस्कस में भी अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, explain what is meant by 1848 revolution of the laborers, what is the political, social and economic ideas supported by the laborers, bahut bahut jagah pe bahut bahut andolan hua, usme france ka bhi ek july revolution tha jo ki 1848 mein hua, to ye jo andolan hua is andolan ka liberal ke liye kya maane, what it meant to liberal, ye jo 1848 mein revolution hua, क्या आप मुझे बताएंगे 1848 के रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में गद्दी पे कौन बैठा, बोलो, नेपोलियन III बैठा होगा ना, कौन बैठा था, नेपोलियन, वहां पर इलेक्शंस हुए थे और नेपोलियन II के आगे का जो वंशा वही जीत गया, अब जीत तो कोई भी सकता है, सही है, तो अब ये पूछा जा रहा है जिसने कि काफी समय तक राज किया फिर 70 में तो पूरी तरीके से, तो सेकंड ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया बताओ ताशी जरा, क्वेश्चन का मतलब बताओ तो आंसर दिया जाए, लेकिन मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा तो मैं आंसर क्या दूं, बताओ तो जरा, क्या आइडियाज, व्हाट वर द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज ना,
वॉट इट मीन लिबरल के लिए इसके क्या मायने थे एंड वॉट वर द पोलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया सपोर्टेड बाई द लिबरल मतलब इस आंदोलन में लिबरल से किन किन आइडिया को सपोर्ट किया कि ये आंदोलन करो तो ये मिलेगा सपोर्टेड बाई लिबरल है ना ओके हाँ देखो इन 1848 देखो In 1848, liberals, दो आंदोलन हुए ध्यान दीजिएगा जुलाई रिवॉल्यूशन कब हुआ बोलो 1830 में और फरवरी रिवॉल्यूशन कब हुआ 1848 में और एक बास्टिल जेल का भी रिवॉल्यूशन हुआ था वो कब हुआ होगा जून में हुआ होगा 20 जून को नहीं 20 जून को भी तो हुआ था कि नहीं 14 जुलाई को 20 जून को तो नेशनल असेंबली बनी थी नहीं चलो तो अब ये हम इस पर फरवरी रिवॉल्यूशन और इसमें कुछ चीजें आपको बता दें थोड़ा टाइमलाइन आपको पता चलेगा तो पता चल जाएगा जैसे मैंने बताया 1830 के रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ बताइए 1815 से हमने बताया 1830 तक दो राजा राज्य किए कौन कौन से 24 तक तो लुई 18 और ये बताओ 1824 से 1830 तक कौन किया चार्ल्स 10 और फिर इसके बाद 1830 से 1848 तक लुई फिलिप और फिर 1848 से 1870 तक कौन किया नेपोलियन थ्री लेकिन ये नेपोलियन थ्री इलेक्टेड था ये राजा राजा होते हुए इलेक्टेड था ना वैसे तो ये चीज अब हम यहाँ पे हैं तो इसने क्या किया बताओ इस आंदोलन में फरवरी रिवॉल्यूशन इसको तो भूल ही जाओ सो इट हैज किक्ड आउट मोनार्की इसने क्या किया होगा बोलो मोनार्की हटा दी कि नहीं एंड पेव्ड द वे फॉर और एक रास्ता दे दिया इस रिवॉल्यूशन से रिपब्लिक इन फ्रांस ये सेकंड रिपब्लिक है पहला वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर लाया था और दूसरा ये लाया ठीक है और तीसरा तो आया होगा 70 में ना तीसरा चुनाव चलो सो लिबरल्स रिवोल्टेड इन फ्रांस विच इज नोन एज Which is February 1848 revolution. इस revolution का क्या होगा? It has dethroned या abdicated. It has resulted in abdication. Abdication का मतलब है गद्दी से उतार देना. Of Louis Philippe. ये बात ध्यान रख लो. ये जरूरी नहीं है कि लुई 16 ही राज्य किए होंगे वहां लुईस के अलावा फिलिप ने भी बहुत राज्य किए हैं चार्ल्स ने भी जब फ्रांस का तुम 1400 साल से पहले का इतिहास देखोगे वहां लुई भी राज्य कर चुके हैं हम लोग तो थोड़ा इतिहास देख रहे हैं ना तो वो सारे राजवंश वहां थे लुई ने भी राज किया फिलिप ने भी किया चार्ल्स ने भी किया ये सब किया नेपोलियन नहीं था नेपोलियन तो एक ट्रेटर था लड़ाका वो तो फायदा उठा वो राजवंशी नहीं था नेपोलियन लेकिन ये सभी लोग कौन कौन से थे बताओ डायनेस्टी थे ठीक है तो वहां पे क्या आ गया बताइए रिजल्टेड इन एब्डिक्शन ऑफ लुई फिलिप अब इसके बाद क्या हुआ बोलो जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड एंड नेपोलियन थ्री बिकेम लीडर वो कौन इलेक्ट हुआ बताओ इलेक्टेड एज लीडर किसका लीडर होगा सुझाएंगे इसको बताओ सही पकड़ ली मैंने बात बोली नेशनल असेंबली क्योंकि जब जब भी इलेक्शन होगा नेशनल असेंबली बनेगी और उसका जो लीडर होगा वो राजा बनेगा नहीं बताइए अच्छी बात बताई इन्होंने लीडर ऑफ इसका मतलब इंटेलिजेंट है क्या सो ही वॉज इलेक्टेड एज लीडर ऑफ नेशनल असेंबली सो बिकेम हेड ऑफ फ्रांस बात सही है
सो बिकेम एड ऑफ फ्रांस. ऐसा होने से फ्रांस में क्या क्या परिवर्तन हुए हमें थ्री एस्पेक्ट्स में देखना है कि भाई वहाँ पॉलिटिकल क्या हुए होंगे, सोशल का कुछ फायदा भी हुआ इस रिवोल्ट का. नाउ इससे द रिजल्ट्स वर नाउ फ्रांस इज डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट. उसने अपने आप को नेशन बोल दिया. इसका क्या मतलब है अरविंद, नेशन स्टेट बोलने से क्या होगा? जब कहते हम नेशन है इससे क्या फर्क पड़ेगा बोलो? मतलब अंट्स डेनन ने क्या अवधारणा दी नेशन होने की? बोलो क्या मतलब हुआ उसने बोल दिया हम नेशन है? एक ही पास है. और दूसरी चीज नेशन होने का मतलब है वो दूसरे की एक इंच जमीन नहीं लेंगे, अब लड़ाई बंद हो गई, हमारी जमीन है. नेशन होने का मतलब है हम किसी पे आक्रमण नहीं करें, यही तो बात होती कि नहीं? तो इन्होंने अपने आप को क्या अनाउंस कर दिया, हम नेशन. जैसे इंडिया एक नेशन बन गया तो इंडिया तो किसी भी लड़ाई नहीं करेगा ना अपनी टेरिटरी. देखिए Here all people are equal before law. दिव्या भी सही बता रही है. Where all nation में और क्या चीज होती है? Are equal before law. कानून की नजर में सब सेम हो गए. और लिबरल के आ जाने से क्या हुआ? Now there was conservative government. ज्यादा मत ध्यान दो ये सब हटा दो. अब बताओ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट हैज गॉन एंड लिबरल्स आर नाउ इन पावर. बोलो बात सही है कि नहीं? चुनाव गया तो लिबरल नहीं आ गए, कंजर्वेटिव्स. हैव लेफ्ट फोर्स्ड टू हैव बीन फोर्स्ड टू लेफ्ट पावर्स. उनको फोर्स्ड कर दिया टू leave power. Now power was in hand of liberals. तो उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए होंगे? Was in hand of liberals. They had made following changes. जैसा कि ताशी ने बताया कि उस समय क्या राजनैतिक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन फ्रांस के परिवेश में हुए हैं इनकी आप व्याख्या करें. यही तो ताशी बता रही थी तो हम उसे अब लिखें. सो दे हैड मेड फॉलोइंग चेंजेस. क्या चेंज किए होंगे लिबरल्स ने? नाउ इतनी बात हो गई, यहां तक समझ में आ गई. अब इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि वाई लिबरल्स हैज डन दिस रिवॉल्यूशन, यानी उन्होंने क्या आधार लिया इस रिवॉल्यूशन का, क्यों बिल्डिंगों पर आक्रमण किया, तो वाई दिस रिवॉल्यूशन हैड टेकन प्लेस, और लोगों ने लिबरल्स को क्यों सपोर्ट किया. लोगों ने सपोर्ट किया होगा ना लिबरल्स को, क्योंकि वहां तो नेशनलिस्ट भी थे, लिबरल्स भी थे, कंजर्वेटिव भी थे. लिबरल्स ने कुछ ऐसी बात कही होगी, कुछ प्रोपेगेंडा किया होगा या लोगों में कोई बात फैलाई होगी, तो लोगों ने सपोर्ट कर दिया होगा. सो पीपल सपोर्टेड लिबरल्स फॉर रिवॉल्यूशन. इसका आधे का आंसर का जो आधा आंसर है उसका ये मतलब है कि लोगों ने उदारवादी लोगों को इस आंदोलन के लिए क्यों सपोर्ट किया. लिखो पीपल सपोर्टेड लिबरल्स फॉर रिवॉल्यूशन. क्यों ऐसा किया बताइए? क्योंकि उस समय भी
वहां पर भुखमरी की स्थिति थी, देयर वॉज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर वॉज नो सफिशियंट फूड एंड लिबरल्स वर आस्किंग, ठीक है, दैट इज फॉर मोर मनी और इन सब चीजों के लिए. तो ये एक तो ये परिस्थिति रही होगी. तो पहली परिस्थिति क्या बताइए कि पहला है ड्यू टू फॉर फूड शॉर्टेज. ठीक है, लाइफ ऑफ कॉमन मैन बिकेम मिजरेबल सो लिबरल्स रेज्ड दिस पॉइंट. लिबरल्स ने पॉइंट उठाया तो रिवोल्ट के लिए आसानी हुई कि नहीं. लिबरल्स रेज्ड दिस इशू, उन्होंने कॉमन मैन का इशू उठाया इसलिए लोगों ने उनको साथ दे दिया. अभी ना देखिए दूसरी चीज, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली भंग हो चुकी थी कितने दिनों में, बेस्ड ऑन, ठीक है, इलेक्शन वॉज कंटिन्यूली राइजिंग बेस्ड ऑन यूनिवर्सल सफरेज कि सबको वोटिंग राइट दिया जाए. इसलिए भी ये रिवोल्ट हुए. 1848 का रिवोल्ट क्यों हुआ, क्योंकि वो लोग कह रहे थे भाई ये लुई फिलिप को हटाओ और हमको फिर से इलेक्शन कराना है, हमारी नेशनल असेंबली बनाओ. तो रिवोल्ट हो गया. खाने की किल्लत थी तो रिवोल्ट हो गया. नेशनल असेंबली भी उनको बनानी थी तो उन्होंने आंदोलन किया. तीसरी चीज क्या है कि They want, liberals wanted a nation state. अब वो फ्रांस को एक टेरिटरी नहीं बनना देना चाहते थे. नेशन स्टेट बेस्ड ऑन पार्लियामेंटेरियन प्रिंसिपल. वो चाहते थे कि इन प्रिंसिपल्स पर नेशन स्टेट बने. एस लिबर्टी इक्वलिटी इन इन सब पे वो चाहते थे. लिबर्टी इक्वलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो ये चाहते थे. अब देखो ये तो क्वेश्चन हो गया लेकिन इसका मतलब एक और है. They were also demanding, क्योंकि वो गरीब तबके के लोग थे. Demanding for abolition of abolishment of serfdom and bonded labor. Bonded labor का मतलब है कि अगर तुमने किसी से पैसा उधार लिया है तो वो क्या करेगा, बंधुआ मजदूर बना देगा कि हमारे यहाँ ठीक है तुम्हारे पापा ने पैसा उधार लिया था, पापा तो मर गए, तुम भी काम करो तुम्हारा बेटा भी काम करे, उसको बंधुआ मजदूर कहते हैं. यानी तुम्हारा पैसा तो तुमने 100 रुपए उधार दिया था, अभी वो तो चुकता नहीं हुआ, 3 जनरेशन कर लेंगे तो चुकता हो जाएगा. ये चीज होती बॉन्ड. तो उसने और इसी के लिए तो उसने बॉन्ड वो मोनेरियल ड्यूज हटा दिए थे. सर किसने हटा दिए थे, नेपोलियन ने ना, बोनापार्ट. तो 4 चीजें हैं, इसको फिर से समझ लो थोड़ा सा समझने के लिए. आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन क्या है बताइए, 1948 के रिवॉल्यूशन का क्या अर्थ था. देखो रिया 1948 के रिवॉल्यूशन का क्या अर्थ था नहीं समझना है तो उस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ बताओ. कंजर्वेटिव चले गए और कौन आ गया, लिबरल. जनरल इलेक्शन हुए, लिबरल पावर में आ गई थी. बात समझ आ गई तुम. अब किन 4 चीजों की वजह से रिवोल्ट हुआ, पहला क्या लिखोगी बताओ. देयर वॉज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, देयर वॉज नो फूड फॉर कॉमन पीपल, लिबरल रेज्ड दिस पॉइंट, सो रिवॉल्यूशन. बोलो बात समझ आएंगे. दूसरा क्या बोलोगे, एक अपने में से बताओ. चार
बोलो तो इसी एक पॉइंट बताओ, चार पॉइंट है कि ये आंदोलन क्यों हुआ, ये बोलो। सही बात है, वो चाहते थे कि नेशनल असेंबली बने, नेशनल असेंबली। एक और पॉइंट बोलो, मॉडर्न लेवल एक दिया बोलो तुम, अब बोलो अरविंद एक पॉइंट। देखो लिबर्टी ऑफ इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा बताया दिव्या, चारों पॉइंट बताओ। शुक्रिया बोलो जितने पॉइंट्स आते हैं तुमको, और अच्छा और बोलो बहुत सारे है ठीक है। देर वाज अनरेस्ट अमंग पीपल, एक और बोलो, दे वांट अ नेशन स्टेट, जो भी अभी ने बोला शुरू में लिख देना कि निर्णय नहीं आते। ओके चलो अब देखिए, नाउ अब इसमें का लास्ट क्वेश्चन आ गया कि तो सब करा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू में क्वेश्चन में जो लिखा रहा हूँ ना, ये अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन है बट कभी दूसरे तरीके से। क्वेश्चन में पूछा गया कि कल्चर का क्या योगदान रहा, फ्रांस में जगह यूरोप में जगह जगह नेशनहुड अकर किया, तो कल्चर का क्या योगदान रहा। अभी देखो तुम 1870 के पहले के मैप देखो तो उसमें ये नहीं लिखा रहेगा फ्रांस, उसमें लिखा रहेगा फ्रांस ही नहीं लिखा रहेगा। 1870 के पहले का मैप उठा लेना, उसमें ऐसे लिखा रहेगा बूर्बो डायनेस्टी, हैब्सबर्ग डायनेस्टी, फिलिप डायनेस्टी, ऐसे लिखा रहेगा। भारत के उठा दे लेना, ये थोड़ी लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा मुगल साम्राज्य, चोल साम्राज्य, अशोक साम्राज्य, ऐसे लिखा रहता है कि नहीं, ये कहीं लिखा रहता है कि नहीं ये सिटी है ये ऐसा कहीं नहीं रहता। तो पहले क्या चलता था, और तुम 1870 के बाद का सारा यूरोप मैप देख जाओ, 1870 से 1970 और फिर उसके बाद 2024 तक, फिर जब नेशन स्टेट बन जाता फिर डायनेस्टी नहीं लिखी रहती, फिर फ्रांस स्पेन ये लिखा रहता। और उसके पहले का देखोगे तब क्या मिलेगा, रोमन साम्राज्य, इनका साम्राज्य उनका, और फिर उसी में हर 10 साल में फैलता से कुड़ता, कैसा तुमने प्रीवियस हिस्ट्री में नहीं पढ़ा है, यही होता था। तो इसलिए ये लोग क्या चाहते थे कि नेशन स्टेट हो, ये मिलिट्राइजेशन खत्म हो जाए, बोलो बात सही है। अब क्या बताया गया कि नेशनहुड के अवधारणा के लिए कल्चर का क्या योगदान है। अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ कल्चर प्लेड, तो कल्चर ने क्या किया, देखिए कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, कल्चर मूवमेंट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग आइडिया ऑफ नेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे
द कल्चरल मूवमेंट बाय विच नेशनहुड कैन बी अचीव्ड इज नोन एज रोमांटिसिज्म। यदि कल्चर को बढ़ा के, तुमको मालूम है रोमन किस चीज को बढ़ावा देते थे? कल्चर को। अगर हम भी अपने आप बोले नहीं कल्चर सबसे बड़ा है, कल्चर सबसे बड़ा है, साइंस कुछ नहीं, यही तो रोमांटिसिज्म है। हम कह दें नहीं साइंस ही सबसे बड़ी, कल्चर क्या होता है, ये ग्रीकिसिज्म है। ग्रीक में साइंस को बढ़ावा था, अगल बगल के राज्य थे दोनों। अगर आप कौन ही साइंस ही बड़ी तो कल्चर से क्या होता है, ये ग्रीकिसिज्म है। और कह दो नहीं हम तो भैया संस्कृति नहीं छोड़ेंगे अपनी, चाहे कुछ भी हो जाए, वैसे ही कपड़े जो हमारे यहाँ धोती कुर्ता वही पहन के पार्टी में जाएंगे, तो यही तो रोमांटिसिज्म है, नहीं कि नहीं। सो अब जरा देखिए, अचीविंग द नेशनहुड बाय कल्चर इज नोन एज रोमांटिसिज्म। बात सही है, अचीविंग नेशनहुड बाय एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइज का क्या मतलब होता है, बढ़ावा देना, जोर देना, ऑन कल्चर इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म। क्योंकि रोमन कल्चर को बढ़ावा देते थे, तो जो जो भी व्यक्ति अपने अपने कल्चर को बढ़ावा देगा उसे कहेंगे वो रोमांटिसिज्म का, है नहीं, इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म। वास्तव में रोमांटिसिज्म का इंडिया में भी बढ़ावा दिया गया, हम लोगों ने उनके सब विदेशी कपड़े नहीं जलाए थे तो बोन फायर किया था, तो ये सब क्या है, भारतीय कल्चर को बढ़ावा ही देना था जगह जगह हम लोगों ने। अब जरा देखिए फॉक कल्चर, तो फॉक कल्चर की वजह से क्या हुआ, जोहान गॉटफ्रीड ने क्या किया, जोहान गॉटफ्रीड ये कौन थे और इन्होंने क्या किया बताइए, दैट हैज प्रोजेक्टेड, ये अंशु क्रिया निकल रहा है ना, दास वॉक और वो आपने बताया था ना, दास वॉक और फिर वॉक तो इन्होंने ही आइडिया दिया, हैज प्रोजेक्टेड द आइडिया दैट ट्रू कल्चर ऑफ ए नेशन किसमें पाया जाएगा बताओ, नेशन इज फाउंड इन कॉमन पीपल। और इसे उन्होंने क्या कहा बोलो, दास सही है, वॉल्क जीस्ट, तो इतना भी लिख दोगे तो चलेगा, इन्होंने बता दिया दास वॉल। आगे देखिए लैंग्वेज, क्या आप मुझे बताएंगे चंद्रशेखर की लैंग्वेज ने किस नेशनहुड को पाने में मदद की, बोलो किसको, पोलैंड, तो उसके लिए ग्रिम ब्रदर्स, अब इसी में लिख लो ग्रिम ब्रदर्स कलेक्टेड फॉक म्यूजिक, देखो फॉक म्यूजिक, फॉक लोर्स, फॉक स्टोरीज, फॉक म्यूजिक तो जानते हो लोक संगीत, फॉक लोर का क्या मतलब होता है, चित्र वाली लोक कथाएं, इसको क्या कहेंगे, लोक कथा, फॉक म्यूजिक, ठीक है। उन्होंने कलेक्ट किया इनटू 33 वॉल्यूम, ठीक है, फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जग, इसके लिए किया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन लोगों में ये भावना जगाई। अगला देखिए लैंग्वेज, लैंग्वेज का क्या योगदान था, जैसा चंद्रशेखर ने बताया कि दैट इज बिशप्स ऑफ पोलैंड कंटिन्यूड यूजिंग पॉलिश लैंग्वेज, इवन दो इट वॉज बैंड बाई, क्या ये रशिया के द्वारा बैन हो चुकी थी,
इवन दो इट वाज बैंड बाय रशिया पॉलिश पीपल हैव नॉट लेफ्ट देयर कल्चर इवन दो दे वर अंडर ऑस्ट्रिया जर्मनी इतने बड़े बड़े साम्राज्यों के अंतर्गत रहते हुए उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा एंड अल्टीमेटली दे हैव गॉट फ्रीडम फ्रॉम रशिया. ठीक है, पॉलिश पीपल हैव गॉट फ्रीडम फ्रॉम रशिया. चूंकि यहां लैंग्वेज लिख रहे हैं तो क्या लिखें, फ्रीडम फ्रॉम रशिया ऑन बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज. उन्होंने किस आधार पर स्वतंत्रता पाई, भाषाई आधार, ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज. तो इससे ये पता चलता है कि लैंग्वेज भी कर सकता है. क्या म्यूजिक के द्वारा भी आजादी पाई जा सकती है कि नहीं पाई जा सकती सुजैन, तुमको क्या लगता है? सो कैरोल करपिंस्की, ए पोलिश सिटीजन, देखिए इन्होंने जगह जगह ओपेरा खोल दिए और वहां पर पोलिश गाना बजाने लगे, उससे भी लोगों में आ गया निशन है पोलिश इसका. कुछ लोगों ने भाषा बोली और उन्हीं में पोलैंड के लोगों ने क्या किया बताओ, ओपेरा खोल दिए और गिटार बजाने लगे पोलैंड का. तो उसमें एक नाम कौन सा आता है, That is Carol Karpinski. Opened opera. Opera जानते हो जहां गाना बजाना होता है, opera house. And continued playing Polish music. This contributed in independence of Poland. अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री हो चुका है क्या, हमने आपको बता दिया था कि एक हमने जर्मनी का और इटली का बता दिया था. क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्या बता रहा है. ब्रिटेन की कंडीशन अलग कैसे थी, तो ये तो हमने बता ही दिया कि इट वाज ए लॉन्ग पास्ट हिस्ट्री फ्री फ्रॉम रिवॉल्यूशन. जो ब्रिटेन का नेशन होता क्या वो किसी रिवॉल्यूशन के आधार पर हुआ, वो तो ब्रिटेन ने खुद ही जबरदस्ती चार पांच अलग बगल वाले देशों को कर लिया, स्कॉटलैंड वेल्स आयरलैंड सब कर लिया. तो उसमें हम ये लिखेंगे कौन कौन सी ट्रीटी हुई थी बताओ, एक्ट ऑफ यूनियन, भूल जल्दी जाते हो. एक्ट ऑफ यूनियन किसके किसके बीच हुई थी, स्कॉटलैंड के बीच हुई, फिर बाद में आयरलैंड वालों को भी इन्होंने अपने में मिला लिया, यही हुआ था कि नहीं. अच्छा बताओ वहां पे कौन कौन से दो रिलीजन थे और किस रिलीजन ने किस रिलीजन को, किस ब्रांच ने किस ब्रांच को सप्रेस किया. स्ट्रीम्स होती है ना क्रिश्चियनिटी की, कौन सी दो स्ट्रीम्स थी और आयरलैंड के लोग किसको मानते थे बताओ चंद्रशेखर, प्रोटेस्टेंट. तो कैथोलिक को दबाया गया कि नहीं, यही स्कॉटलैंड को भी किया गया, उसके कल्चर को भी दबाया गया, यही था कि नहीं. तो ये सारी चीजें तुमको इंग्लैंड के बारे में लिखनी है. अगला देखो, Why did nationalistic tension emerge in Balkan? क्या ये क्वेश्चन तुम्हें करा दिया गया, बाल्कन स्टेट की क्या समस्या थी और कैसे वो आजाद हुए, बोलो. नहीं बाल्कन वाले दिखाओ कहां लिखा, वही पूरा लिखा उसमें, जैसे कौन कौन से सर्बिया स्लोवेनिया के टूर, व्हाट वाज द रीजंस ऑफ टेंशन इन बाल्कन, बोलो. अब आपको भी यूरोप का मैप देखना है, सारा मैप नहीं फिट करना है, लेकिन जो जो कंट्री में बताऊंगा वो होगा टीवी पे मैं दिखाऊंगा उसी को देख के फिट करना. कुछ हो सकता है तुम्हें पहले वाले मैप से भी आइडिया मिल जाए. आपका 71 है क्या, 1815 है ना, 1871 वाला है,
पाकिस्तान है तो नेशन बन चुका है। देखो वो पहला मैप कब का है? 1815 का है। उसके बाद और कोई मैप नहीं? मैं दिखा रहा हूँ उससे देख के बोलो। देखो स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस ये सब तो दिखाई दो। मैप आता है, यही वाला मैप आता है यूरोप का। चलो पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप। देखो कुछ इधर दिखाओ पहले। सारे नहीं बने जो जो मैं बोल रहा हूँ। स्पेन को भरो, स्पेन इसमें मुख्य है क्योंकि जो जो आपकी हिस्ट्री से संबंधित है वही पूछा जाएगा। जो जो आते हैं फ्रांस भरिए, जर्मनी भरिए, स्पेन भरिए, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, इटली भी आएगा, ग्रीस, ये देखो यूनाइटेड किंगडम पूछा जाएगा। देखो यूनाइटेड किंगडम कहाँ दिखाया गया, देख रहे हो भाई? पढ़ा लिख लो यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम दिखा दीजिए। अच्छा जर्मनी देखो, जर्मनी यूनाइटेड किंगडम दिखा दिया कि नहीं दिखा? अभी दिखा। देखो ये स्पेन है, ये है, इसके नीचे ऐसे अफ्रीका है और ये क्या है, रशिया है, ये स्पेन है ना। देखो स्पेन यहीं पे तो इटली है, सबसे नीचे ये नहीं दिखा है, मैं दो तीन बार तो मैं बनाया और यहीं पे नीचे दिखा। ये रशिया का आधा हिस्सा है, रशिया आधा यूरोप में है और आधा एशिया में। बात समझ आ गई? यूनाइटेड किंगडम कहाँ दिख रहा है बताओ? यहाँ पर ये है, ये देखो आयरलैंड इधर है ना, तो तुम इस पे लिखो यूनाइटेड किंगडम। ये देखो यूनाइटेड किंगडम समझ में आया? ये ठीक है। चलो इसको मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ तो तुमको पता चल जाएगा। ये देखिए अब पता चला कुछ कुछ। देखो इटली दिखाई पड़ रहा है, इटली नीचे है जहाँ इटली, यही सब देश लिखो, ज्यादा नहीं लिखने। पोलैंड भी आएगा, पोलैंड पूछा जाता है, जो तुम्हारी हिस्ट्री से संबंधित है वही वही पूछे जाएंगे। पोलैंड, ऑस्ट्रिया पूछा जाएगा। ऑस्ट्रिया दिखाई पड़ रहा है क्या आपको अपने मैप में? जरा देखो तो ऑस्ट्रिया कहीं पता चल रहा है इस शेप में? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया लिखो। पोलैंड हो गया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ग्रीस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया,
और जो ग्रीस तुमने देखा है, देखो ग्रीस के ऊपर और हंगरी के नीचे, देखो हंगरी, हंगरी के नीचे कहा है उसको लिख देना बाल्कन स्टेट्स, कितने पॉइंट्स हैं। फिर से देखो कौन कौन से हैं, कल हमने लिखाए थे हंगरी था क्या बाल्कन स्टेट में कि नहीं था, हंगरी के नीचे से लिखना और ग्रीस तक चले आना, ये सब है बाल्कन स्टेट, सही है ना। देखो तुम्हारे बाल्कन स्टेट में लास्ट में कहाँ लिखा है बाल्कन स्टेट का, कौन कौन से सर्बिया बुल्गारिया रोमानिया भी आ रहा है, नहीं ये सब है, इसको बस एरो कर देना, कौन कौन सा आ रहा है थोड़ा सा शेप देखो, पोलैंड के बगल में कौन है, पोलैंड और थोड़ा मैं इसको उन रीजन को कर लेना। देखो पोलैंड कहाँ है, देखो पोलैंड ये है, पोलैंड के नीचे क्या है, देखो स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के नीचे हंगरी, हंगरी के नीचे बाल्कन स्टेट है, ऑस्ट्रिया हंगरी के नीचे से बाल्कन स्टेट दिखाई पड़ा, बता देता ऑस्ट्रिया हंगरी कहाँ कहाँ से, पोलैंड बन गया ये ऑस्ट्रिया, ये स्लोवेनिया है ना, ये हंगरी, इसके नीचे ये रोमानिया भी है, ये सब क्या बताओ, चलो पीछे भी दिखा देना लाओ। और देखो ऑस्ट्रिया हंगरी ये देखो, इसमें इसको छोड़ दो, इतने भर के लिए कितने भरे, कौन कौन से भरे बताओ, मैं बता यूनाइटेड किंगडम की ओर कर दिया, जर्मनी की ओर, ये पोलैंड है, अभी ऑस्ट्रिया हंगरी ये स्लोवेनिया है, इसके नीचे ये बाल्कन स्टेट, ये स्लोवेनिया ये ऑस्ट्रिया, ये कौन सा बताओ, हंगरी, इसके नीचे से सब जितने भी हैं, ये तो इटली हो गया ना, इटली नहीं भरा अभी, भरी है इटली भर गया, ये भी है रोमानिया भी है, और ये ग्रीस है, ग्रीस के ऊपर है, इसको कल क्यों बात है, क्यों हंगरी तक भर गया है, ये स्लोवेनिया है, ठीक है, स्लोवेनिया दिखा दे रहा होगा, हंगरी के ऊपर है, यहाँ से ऑस्ट्रिया कहाँ लिखा, ऑस्ट्रिया हंगरी इसके नीचे से ये लेकर और रोमानिया, अब ग्रीस देखता हूँ कितना बड़ा होगा, अरे तो ग्रीस इवन ग्रीस का नाम दिया ना उसने, बाल्कन स्टेट ग्रीस का नाम दिया, ग्रीस को भी इंक्लूड कर लो, देखो नाउ ये बाल्कन स्टेट्स है, फिर से देखिए बाकी स्टेट आपने भर लिए, अब जरा देखो बाल्कन स्टेट्स इन यूरोप में, इसको अलग से देख लो, जब बाल्कन स्टेट्स की बात आएगी तो कैसी इमेज बनेगी, ये देखो ये है बाल्कन स्टेट्स, तो बाल्कन स्टेट्स में कौन कौन आ रहे हैं, रोमानिया आ जाएगा, ये That is बाल्कन स्टेट्स को देखो, ये सभी बाल्कन स्टेट्स में आ जाएंगे, देखो क्रोएशिया आ गया ना हंगरी के ठीक नीचे से, तो यहां से ये बाल्कन स्टेट है, कहां कहां से नीचे से आना है, ये देखो ये जो कलर्ड है उसके ऊपर क्या है कलर्ड वाला, यहां से देख लो, अब तुम्हें आइडिया लग जाएगा, हंगरी देख रहे हो, रोमानिया तुम्हें तुम्हें इसके शेप से ही पता चल जाएगा, रोमानिया का जैसा शेप है तुम्हारे नेक्स्ट में, यही है, तो रोमानिया से नीचे तक पूरा ले लो, नीदरलैंड ऊपर है, तो ये यहाँ पर हो गया स्लोवेनिया हो गया ना, मेरे ख्याल से ये नीदरलैंड, अब नीदरलैंड दिखा रहे हैं, इसमें दिखाया जाएगा, ये देखो नीदरलैंड, स्लोवेनिया अभी दिखा ओके
पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप। नीदरलैंड आप देख रहे हैं, ये देखो जो डच लैंड है वही नीदरलैंड, इसमें नहीं दिखा रहा। नॉर्वे के नीचे यूनाइटेड किंगडम, ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड की ठीक ठीक आउटलाइन दिखाई जा रही क्या बेल्जियम के ऊपर? अभी कल हम बेल्जियम सिविक्स पढ़ेंगे तो बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। बेल्जियम सिविक्स का पहला चैप्टर जो पावर शेयरिंग है ना, बेल्जियम दिखाई पड़ा? यही है बेल्जियम। बेल्जियम के ऊपर नीदरलैंड दिखाई पड़ा? नीदरलैंड नीदरलैंड। यहां देखो जर्मनी, तुम्हें पता चल गया क्या? जर्मनी के अगल बगल, जर्मनी ठीक ठीक पता है? अब जर्मनी को देखो, जर्मनी के ऊपर नीदरलैंड और नीचे बेल्जियम है। बेल्जियम सिविक्स में बहुत फेमस है, 4 नंबर क्वेश्चन कलम पढ़ेंगे इस पे। तो दोनों चीजें पता चल गई, अब सारे हो गए ना। कितनी चीज भरवाई जाती है आपको, 3 इसमें से कोई आएगी जब भी मैप आएगा। सब आप हो गए, इतना ही रखो आज।